दिस इज द गाइस मास्टर बेडरूम। इफ यू सी द साइज अप्रोक्स आपको 14.5x10 का मास्टर बेडरूम मिल जाता है। अच्छा बेडरूम में हमारे कर्टेन्स आ गए थे, सो दीज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द एलेक्सा। सो अगर आप इससे भी कम रेंज में देख रहे, अगर आप सोच रहे कि 1.5 से 2 करोड़ पे आपको और अच्छी लोकेशन मिल जाए, सो गाइज Trehane is coming up with their new floors at Bangon Sona Road. It is accessible from basement till terrace. So आपकी ये basement तक पूरी lift आती है। Guys, welcome back to your own channel Property Guys Gurgaon. मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ। सो गाइज राइट नाउ आई एम एट SPR। सो आज मैं आपके लिए एक ऐसी लो राइज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ। गाइज अगर आपने भी नोटिस किया हो, गुड़गांव में लो राइज आना बिल्कुल ही बंद हो गया, ऑलमोस्ट बंद के बराबर हो गए। द रीज़न इज गुड़गांव में लैंड प्राइजेज इतने बढ़ गए हैं कि डेवलपर को लो राइज में कॉस्ट ही पूरी नहीं होती। बट आज मैं आपके लिए एक ऐसा लो डेंसिटी स्टिल्ट प्लस 3 के कंसेप्ट में फ्लोर लेके आ गया हूँ। सो गाइज राइट नाउ आई एम एट Trehane लग्जरी फ्लोर विच इज लोकेटेड एट सेक्टर 71। अगर मैं आपको इस लोकेशन की USP की बात करता हूँ गाइज, दिस लोकेशन इज वेल कनेक्टेड विद द 3 मेजर हाईवेज। मेन एक तो आप किसकी डायरेक्ट SPR से कनेक्टिविटी तो रहेगी, SPR इज बेसिकली सदर्न पेरिफेरल रोड। सेकंड इस सेक्टर की हमारी कनेक्टिविटी आ जाती है वाया सोना रोड। सो डायरेक्ट आप अपने 71 से सेक्टर 48 जाएंगे टुवर्ड्स श्रीराम ढाबा वाला जो रोड आता है, उधर से आप सोना रोड को एक्सेस कर सकते हैं। जो और थर्ड हमारी जो इसमें कनेक्टिविटी आती है वो हमारी आती है जो हीरो होंडा चौक और सुभाष चौक के बीच में रोड आता है, डायरेक्ट उस रोड पे जाके ये मिल जाएगा, जहाँ पे हमारी मेट्रो भी ऑलरेडी अप्रूव्ड है, इनफैक्ट उसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है। तो ये तीनों मैंने आपको मेजर हाईवेज बताए, तीनों हाईवेज की कनेक्टिविटी हमारी डायरेक्ट 84 मीटर रोड से कनेक्टिविटी देने वाली है। सो आइए एक बार इनके सैंपल को देखते हैं, इनका जो 3BHK का सैंपल है। प्लस गाइस इसमें अगर मैं आपको कंसेप्ट की बात करता हूँ, सो द कंसेप्ट इज टिल्ट प्लस 3, यू विल गेट अ 3BHK फ्लैट एट द फ्लोर लेवल। उसके बाद आपको एक रूम जो है बेसमेंट में मिलेगा, प्लस आपको 50% टेरेस राइट्स मिलते हैं इफ यू ऑप्ट फॉर द सेकंड एंड थर्ड फ्लोर। सो इट इज अ 3BHK प्लस प्राइवेट बेसमेंट प्लस प्राइवेट टेरेस गार्डन एंड योर लिफ्ट इज एक्सेसिबल फ्रॉम बेसमेंट टिल टेरेस। आइए एक बार सैंपल पे चलते हैं। प्लस गाइस अगर आप मेरे पीछे ये जितने भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, सो ये इनकी कंस्ट्रक्शन भी फुल स्विंग में चल रही है। सो इस प्रोडक्ट में आपको पजेशन भी जल्दी मिल जाएगा। एंड गाइस दिस प्रोडक्ट विल बी इन योर रेंज, यस यू हर्ड इट राइट। सो अगर आपने नोटिस किया गुड़गांव में आज के डेट में कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, सो सारे 4 to 5 CR के रेंज में जा रही है। बट गाइज अगर इस प्रोडक्ट की रेंज की बात करता हूँ, सो 2 से 2.5 करोड़ के बीच में ये आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है विद अ रिलैक्स पेमेंट प्लान। सो आइए एक बार इनके 3BHK के सैंपल को देखते हैं, हम इसके बेसमेंट को देखेंगे, विल डिस्कस अबाउट द प्राइसिंग पेमेंट प्लान एंड क्या क्या इसकी कनेक्टिविटी आती है, नियर बाय स्कूल्स हॉस्पिटल डेली अमेनिटीज अवेलेबल है या नहीं है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आइए सैंपल पे मिलते हैं। सो गाइज राइट नाउ आई एम इनसाइड द बिल्डिंग। सो द कंसेप्ट इज द डेवलपर हैज जॉइंड द 2 फ्लोर्स। सो पर फ्लोर यू विल हैव द 2 staircases, 2 lifts एंड 2 flats, एक मेरे लेफ्ट में आ जाता है, एक मेरे राइट में आ जाता है। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, दिस इज बेसिकली नॉट अ सैम्पल फ्लैट, मैं इसको एक्चुअल ही बोलूंगा बिकॉज दिस इज एन एक्चुअल बिल्डिंग। सो गाइस ये हमारा लिफ्ट एरिया आ गया एंड दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द फ्लैट। सो राइट नाउ आई एम शोइंग यू 1602 square feet। सो ये 1602 square feet का 3BHK फ्लैट है। अभी इसको देखेंगे, देन फिर हम इसका बेसमेंट देखेंगे, फिर अदर चीजें डिस्कस करेंगे। सो गाइज एंटर करती वी गेट अ वेरी लेविश डोर एंड अ फिंगरप्रिंट डोर लॉक एट द एंट्रेंस। डोर साइड का आपको फिंगरप्रिंट डोर लॉक मिल जाता है। एंटर करते ही वी एंटर टुवर्ड्स आर लिविंग एंड द डाइनिंग एरिया। अगर आप इसका स्पेस भी देखेंगे, सो आपको एक अच्छा स्पेशियस जो है लिविंग एरिया मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एल शेप का आराम से लगा रखा है, सो 8 to 10 seater डाइनिंग लिविंग एरिया आप आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डाइनिंग की बात करूँ, सो द डेवलपर हैज इंस्टॉल्ड अ 6 seater डाइनिंग टेबल। प्लस उसके बाद भी अगर आप देखेंगे वॉकिंग स्पेस गाइज अच्छा बच जाता है, बिकॉज गाइज 1600 square feet के फ्लैट में गाइज दे आर गिविंग यू 1200 square feet ऑफ कार्पेट एरिया। सो 1200 square feet का आपको नेट यूजेबल एरिया मिल जाता है, प्लस लिविंग एरिया के साथ में गाइज दे आर गिविंग अ वीडियो डोर फोन। चाहे आपको अपना बाहर का डोर एक्सेस करना हो, बाहर भी हमारा वीडियो डोर फोन रहेगा। प्लस इसमें गाइज कंसेप्ट क्या है, स्टिल्ट पे दे हैव गिवन अ एडिशनल सिक्योरिटी। जैसे मैंने लास्ट टाइम सन सिटी वत्सल वैली की वीडियो बनाई थी, सो उसमें कंसेप्ट क्या था, स्टेट लेवल पे दे हैव गिवन अ ग्लास डोर। सो सेम काइंड ऑफ कंसेप्ट इसमें रहेगा कि आपकी 100% गेटेड सोसाइटी तो रहेगी, प्लस आपके पास एक एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाती है कि बाहर से कोई भी पर्सन आ रहा है सो आपकी बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकता। सो ही विल प्रेस द डोरबेल, आप यहाँ से अनलॉक करेंगे जब भी आपका ग्राउंड फ्लोर का गेट अनलॉक होगा, अदरवाइज इट विल बी लॉक्ड। सो आइए बेडरूम एरिया की तरफ चलते हैं। सो गाइस इसमें 2 bedroom पीछे की तरफ मिल जाते हैं एंड एक फर्स्ट बेडरूम और अ गेस्ट बेडरूम प्लस किचन जो हमें फ्रंट की तरफ मिल जाते हैं। नाउ वी आर एंटरिंग टुवर्ड अ फर्स्ट बेडरूम। सो दिस इज द गाइस फर्स्ट बेडरूम। इफ यू सी द साइज, हर एक बेडरूम में आपको एक अच्छे स्पेशियस साइज मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारा किंग साइज बेड भी आ गया, वी हैव इंस्टॉल्ड द साइड टेबल्स, प्लस मैं आपको वार्डरोब स्टडी एरिया दिखाऊंगा। दिस इज अटैच वॉशरूम, आप वॉशरूम भी देखेंगे। सो वॉशरूम में भी गाइज दे आर गिविंग यू कंप्लीट वर्क। चाहे मैं आपकी CP फिटिंग्स की बात कर लेता हूँ, सो योर CP फिटिंग्स विल बी ऑफ जैगवार ब्रांड, प्लस आपका ग्लास पार्टीशन, वेनिटी, लाइट फैन, एवरीथिंग दे आर गिविंग यू। प्लस गाइज दिस बेडरूम एज एन अटैच बालकनी। सो ये बालकनी हमारी फर्स्ट बेडरूम को कनेक्ट करती है एंड इट कनेक्ट्स टू योर मास्टर बेडरूम।
सो गाइस दिस इज द बालकनी विच कनेक्ट्स योर फर्स्ट बेडरूम एंड द मास्टर बेडरूम, प्लस दोनों बालकनीज में क्या है, दे हैव गिवन द वॉशिंग एरिया पॉइंट, सो दोनों बालकनीज में आपको वॉशिंग एरिया पॉइंट मिल जाते हैं। प्लस आप मेरे सामने की तरफ देख रहे होंगे, सो कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, इन वाली यूनिट्स को तो इवन स्ट्रक्चर भी रेडी है, फिनिशिंग इन गोइंग ऑन। प्लस अभी सामने गाइस इस प्रोजेक्ट के बाहर जितना भी आप ओपन एरिया लैंड पार्सल देख रहे हैं ना, एवरी सिंगल पीस ऑफ लैंड इज ओन बाय सिग्नेचर ग्लोबल। सो सिग्नेचर ग्लोबल गाइस यहाँ पे 142 एकड़ का लैंड पार्सल है। सो इस लोकेशन पे आने वाले टाइम में आपको कोई एक सिंगल फ्लैट भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट गाइस नेक्स्ट लेवल पे आ रही है। बैंग ऑन हमारा 84 मीटर रोड से प्रोजेक्ट की एंट्री आने वाली है। प्लस जो ये बालकनी है हमारी, ये मास्टर बेडरूम के साथ हमारी यहाँ पे आप देख रहे हैं, सो ये कनेक्टेड हो गई। सो ये मैं आपको उधर से मास्टर बेडरूम से ही दिखाऊंगा, आइए मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। एंड गाइस अगर मैं आपको इसकी वार्डरोब भी दिखाऊं, सो गाइस दीज टू फुल साइज वार्डरोब कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू। सो आपको इसमें वार्डरोब बनाने की भी नीड नहीं है, सो मैं आपको वार्डरोब भी दिखा देता हूँ। सो दीज वार्डरोब्स विद मोशन सेंसर लाइट कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू विद अ स्टडी टेबल ऑल्सो। सो गाइस अभी आपने देखा एक हमारा किंग साइज बेड आ गया, दो साइड टेबल्स आ गई, फुल साइज वार्डरोब आ गई, वी हैव द स्टडी एरिया, प्लस ये टीवी कैबिनेट हो गया। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट, सो गाइज इन ऑल दी बेडरूम्स कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू अ वुडन फिनिश, प्लस ये आपको टीवी कैबिनेट दिख रहा है, द लाइट फैन फॉल सीलिंग वार्डरोब मैंने आपको दिखाई दी, बाथरूम फिटिंग्स गाइज दे आर गिविंग यू कंप्लीट। सो इट्स काइंड ऑफ अ सेमी फर्निश फ्लैट विच कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू। सो इन केस अगर आप इसको रेंट पे देना चाहते हैं, सो फ्यूचर में आपका इसके ऊपर कोई और एक्सपेंस नहीं होगा। एंड गाइज इफ यू वॉन्ट टू नो द कि इस प्रोजेक्ट में क्या रेंटल लीड आ जाएगी, इसको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, जस्ट कॉल अस टू नो मोर अबाउट द रेंटल लीड। एंड गाइज अगर मैं आपको इसकी कॉमन एरियाज की भी स्पेसिफिकेशन बताऊं, सो इन कॉमन एरियाज वी आर प्रोवाइडिंग यू इटालियन मार्बल इन द लिविंग डाइनिंग एंड द किचन एरिया। सो प्लस पूरे फ्लैट में गाइज वी आर गिविंग यू लाइट फॉल सीलिंग, सो ये सारा बेसिक काम हम आपको करके दे रहे हैं। एंड गाइज दिस इज आवर कॉमन वॉशरूम विच कनेक्ट्स टू योर मास्टर बेडरूम एज वेल। सो इसमें आपकी जो इस वॉशरूम की कनेक्टिविटी, आप चाहे इसको मास्टर से गेट ओपन कर सकते हैं, और इफ़ यू वॉन्ट टू यूज इट एज अ ओपन कि आपका कोई भी गेस्ट आ रहा है वो उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। सेम हमारा ग्लास पार्टीशन आ गया, सारी जैगवार की सीपी फिटिंग्स आ गई। एंड दिस इज द गाइस मास्टर बेडरूम, इफ़ यू सी द साइज अप्रोक्स आपको 14.5x10 का मास्टर बेडरूम मिल जाता है, विद अगेन सेम टू फुल साइज वार्डरोब्स। प्लस अगर आप मास्टर बेडरूम में देख लोगे, वार्डरोब का स्पेस दे हैव गिवन एक्स्ट्रा, सो कैविटीज एक्स्ट्रा दिए ताकि आपकी बेडरूम की नीश लुक रह जाए। प्लस किंग साइज बेड आ गया, वी हैव द स्पेस फॉर द चेयर ऑल्सो, आप आराम से सुबह उठ रहे हैं मॉर्निंग में अपने बेडरूम में कॉफी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक आपको अच्छा 1600 स्क्वायर फीट के फ्लैट में आपको 14.5x10 का गाइज मास्टर बेडरूम मिल रहा है। आइए किचन एरिया की तरफ चलते हैं। सो अभी मैंने आपको दो बेडरूम्स पीछे की तरफ दिखा दिए, एक अभी हम हमारा किचन देखेंगे, फर्स्ट थर्ड बेडरूम देखेंगे जो हमारा फ्रंट की तरफ आता है। सो गाइस दिस इज द फुली मॉड्यूलर किचन, यहाँ पे आपका एक आराम से डबल डोर फ्रिज का स्पेस आ गया। प्लस अगर आप किचन में कंसेप्ट देखेंगे ना, आपकी टू साइड स्लैब मिल जाती है, सेंटर में वी हैव द यूटिलिटी बालकनी, आप मेरे राइट में देख रहे हैं, सो कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू चिमनी हो, फुली मॉड्यूलर किचन है, मैं आपको इसका काम भी दिखा देता हूँ। सो सारा काम कंप्लीट करके दे रहे हैं। गाइस दिस इज द पेंट्री एरिया, जनरली बहुत कम आपको जो लोअर राइज फ्लोर में पेंट्री मिल जाती है, विद अ डुअल सिंक इनसाइड द किचन। प्लस गाइस अगर आप इसमें कंसेप्ट देखेंगे, दे हैव गिवन द वेट किचन ऑल्सो, इन केस अगर आप कुछ पार्टी टाइप कर रहे हैं, या फिर आप रेगुलरली जो है वेट किचन को बाहर रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी एक ड्राई किचन नीट एंड क्लीन रहे, जनरली वुमेन्स इसको ज़्यादा समझ पाएंगी। सो ये एक अच्छा वेट किचन का आपको कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। सो आइए हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो ये बास्केट्स इन्होंने बना के दे दिए, सो दिस इज द गाइस थर्ड बेडरूम। अगर आप सभी बेडरूम के साइजेस देखेंगे, सो एक अच्छे स्पेशियस आपको साइज दे रहेगा, 1600 स्क्वायर फीट में इतने साइजेस अगर मेरे हिसाब से आपने कहीं देखे नहीं होंगे, आपको 1200 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया मिल रहा है विद द सेम अटैच बालकनी जो यूटिलिटी बालकनी के साथ कनेक्टेड है, मैं आपको ये बालकनी भी दिखाऊंगा, एंड एन अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम में क्या किया है कि दे हैव गिवन द वॉक इन क्लोजेट ताकि एक आपकी बेडरूम की नीश लुक रहे। दिस इज द थर्ड बेडरूम्स वॉशरूम, यहाँ पे हमारा WC एरिया आ गया, दिस इज द शावर एरिया। एंड गाइज दिस इज मी, इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो ऑल्सो, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अस। एंड दिस इज द वॉक इन क्लोजेट, सेम आपको फुल साइज वॉक इन क्लोजेट यहाँ पे मिल जाती है, आपको इसका स्पेस दिखा देता हूँ, एक अच्छा स्पेस आपको बेसिकली गाइज प्रोवाइड कर रहे हैं ये। आइए गाइज फ्रंट बालकनी की तरफ चलते हैं। सो गाइज दिस इज द रनिंग बालकनी,
विच यू आर गेटिंग विद अ थर्ड बेडरूम जो कि आपकी यूटिलिटी के साथ कनेक्टेड भी है। अगर आप स्पेस देखेंगे तो आपको एक डिसेंट अराउंड में बात करता हूँ 4.5 से 5 फीट की बालकनी मिल जाती है, यहाँ पे एक अलग स्पेस मिल जाता है। सो बेसिकली दोनों बालकनीज आपको एज एक वॉशिंग पॉइंट से प्रोवाइड कर दिए, प्लस वाइल इंजॉइंग दिस व्यू आप देख सकते हैं सामने पूरा हमारा एक एकड़ का पार्क आ गया, उधर सामने की तरफ एमपी थिएटर आ गया, यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रही है। इन्होंने टेबल चेयर रख के भी दिखाया हुआ कि अगर आप आराम से मॉर्निंग कॉफी या इवनिंग ड्रिंक्स एंजॉय करना चाहते हैं तो एक डिसेंट साइज का आपको बालकनी में स्पेस मिल जाता है। अगर आप इनकी गाइस बालकनी के ग्रिल्स भी देखेंगे ना, इन्होंने बेसिकली इटालियन स्टाइल यूज किया, सो दीज आर काइंड ऑफ एलिगेंट फ्लोर्स। आइए आगे की तरफ चलते हैं। सो गाइस दिस वाज द लेआउट ऑफ 3 BHK 1602 square feet। आइए एक बार इसके बेसमेंट को देखते हैं और देखते हैं कि बेसमेंट में कितने अच्छा हमारा स्पेस यूटिलाइजेशन है। सो गाइस नाउ वी आर एट द बेसमेंट। सो ये हमारी स्टेयरकेस आ गई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था योर लिफ्ट इज एक्सेसिबल फ्रॉम बेसमेंट टिल टेरेस, सो आपकी ये बेसमेंट तक पूरी लिफ्ट आती है। सो आइए गाइस फर्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। सो गाइस विद ईच एंड एवरी फ्लोर यू आर गेटिंग दीज साइज ऑफ बेसमेंट, सो पूरी आपको 490 अप्रोक्स 500 स्क्वायर फीट की बेसमेंट मिलती है हर एक फ्लोर के साथ। 1600 स्क्वायर फीट का हमने फ्लैट देखा, 500 स्क्वायर फीट की बेसमेंट मिल जाती है। अगर आप बेसमेंट का साइज देखेंगे, ये हमारा एक अच्छा कुछ फैमिली लाउंज आप टाइप कुछ कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग एरिया रख के दिखा दिया है, आप यहाँ पे अपना आराम से ACs इंस्टॉल कर सकते हैं, इन केस यू वांट टू सेटअप अ मूवी थिएटर, पर्सनल जिम अगर आप सेटअप करना चाहते हैं। गाइज इतने एरिया में बहुत अच्छा स्पेस सेटअप होता है। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, आपने यहाँ पे अच्छा अपना ऑफिस स्पेस बना लिया, इतना अच्छा स्पेस मिल जाता है, कंसेप्ट हो जाता है काइंड ऑफ कि आप दो फ्लोर परचेज कर रहे हैं। ये सेकेंड वो फ्लोर का जो हमारा एरिया आ गया, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सिंगल साइज इन्होंने दिखा दिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है, सो स्टडी एरिया टाइप इन्होंने रख के दिखा रखा है। गाइज सी द स्पेस, 500 स्क्वायर फीट की बेसमेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी अगर आप किसी लो राइज में देखेंगे। प्लस गाइस बेसमेंट के साथ दे हैव द सनकन एरिया आल्सो जो कि ओपन कटआउट है आपका, तो यहाँ पे आपने कुछ ग्रास मैट लगा लिया, प्लांट्स रख लिया, या फिर आपका कोई भी एक्स्ट्रा सामान है, आपने अपनी साइकिल टाइप कुछ भी यहाँ पे पार्क कर ली, सो एक अच्छा एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। आइए मैं आपको थर्ड रूम भी दिखा देता हूँ कि इन्होंने कैसा डिजाइन करके है। सो गाइस दिस इज द थर्ड रूम, सेम इसका सनकन एरिया अलग आ गया, उसका अलग था जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ भी इन्होंने किंग साइज बेड रख के दिखा दिया, चेयर्स दिखा दी, आपका स्टडी टेबल आ गया। प्लस गाइज बेसमेंट में भी वी आर गिविंग अ कोब लाइटिंग इन द फैंस, सो आपको बेसिक काम हम बेसमेंट में भी करके दे रहे हैं। सो गाइज दिस वाज द लेआउट ऑफ अ 3 BHK, मैंने आपको 3 BHK का 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिखा दिया, 500 स्क्वायर फीट की हमने बेसमेंट देख ली। गाइज इसकी टेरेस अभी रेडी नहीं है, बट अगर आप इसमें सेकेंड या थर्ड फ्लोर लेंगे सो उसके साथ वी आर गिविंग 600 स्क्वायर फीट ऑफ टेरेस, सो टोटल बात करता हूँ 1600 प्लस 500 प्लस 600 टोटल 2700 स्क्वायर फीट का आपको इसमें एरिया मिल जाता है। 600 स्क्वायर फीट की भी टेरेस हम आपको ऐसा नहीं है पूरी रो देंगे, वी आर गिविंग यू अ ग्रास मैट उसके ऊपर लगा के दे रहे हैं पूरा आपको, उसका एज आप उसको किचन काउंटर बोल लीजिए या फिर बार काउंटर, सो वो भी आपको पूरा डिजाइन करके दे रहे हैं। वी आर गिविंग यू गजीबो से एक आपको टेरेस गार्डन भी डिजाइन करके दे रहे हैं। आइए एक बार ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या इसमें अमेनिटीज मिल जाती है, प्राइसिंग, पेमेंट प्लान, एवरीथिंग। सो गाइज राइट नाउ आई एम एट देयर वन ऑफ देयर एक्चुअल फ्लैट, सो ये आप जो भी देख रहे हैं सो दिस विल बी योर एक्चुअल फ्लैट जो कंपनी आपको डिलीवर करेगी। अभी अगर आप वॉल की पैनलिंग भी देख रहे होंगे सो दिस टाइप ऑफ फिनिश दे विल बी गिविंग, ऐसा नहीं है कि आपको कोई नॉर्मल वॉल दे दी। प्लस गाइज इफ यू सी दिस इज अ कॉर्नर यूनिट, राइट नाउ आई एम एट देयर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, सो ये कॉर्नर यूनिट में आपको कितनी अच्छी एक ह्यूज साइज की विंडो मिल जाती है, सो यू विल हैव अ वेरी गुड नेचुरल लाइटिंग। प्लस अगर मैं आपको इनके दिखाऊं सो ये कॉर्नर की यूनिट में आपको क्या एडवांटेज है कि बेडरूम में भी आपको एक्स्ट्रा विंडोज मिल जाती है, प्लस हर एक के साथ हमारे पास बालकनीज तो है, अगर आप यहाँ पे देख लोगे सो दो हमें विंडोज में मिल जाती है फ्रेंच विंडोज, सो एक अच्छी आपकी क्या नेचुरल लाइटिंग बनी रहती है। प्लस गाइज अगर मैं सेक्टर 71 की वैसे बात करता हूँ सो दिस लोकेशन इज सराउंडेड बाय द DLF प्लॉटेड टाउनशिप नेम्ड DLF अल्मेडा, अगर मैं उस लोकेशन की बात करता हूँ सो गाइज अगर आप वहाँ पे आज की डेट में कोई भी प्लॉट लेने जाओगे सो मिनिमम 2.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड पे आज की डेट में भी कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है, सो दिस इज द काइंड ऑफ लोकेशन विच दिस प्रॉपर्टी इज ऑफरिंग। एंड गाइज इफ यू वॉन्ट टू सी द सैम्पल फ्लैट विच आई शोड यू और इफ यू वॉन्ट टू सी दिस एक्चुअल फ्लैट, सो आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, जस्ट कॉल अस, बुक अ साइट विजिट, एंड इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट सो आपको जस्ट कॉल कीजिए फॉर बुकिंग। सो गाइज अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, मैंने आपको भी सैम्पल दिखा दिया, आई हैव शोन यू द बेसमेंट ऑल्सो, टेरेस इज नॉट रेडी बट आपको टेरेस भी मिलेगी इफ़ यू ऑप्ट फॉर द सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर।
सो गाइस त्रेहान इज बेसिकली कमिंग अप विद अ थर्ड फेज. सो इनका ये नया फेज इन्होंने अभी लॉन्च किया सेक्टर 71. अगर मैं टोटल एंड पार्सल की बात करता हूँ सो इट इज स्प्रेड ओवर 13.5 एकड़ जिसमें देयर आर टोटल 207 207 प्लॉट है. सो स्टेल्ट प्लस 3 का इसमें कंसेप्ट रहने वाला है. इफ आई कैलकुलेट द पर एकड़ डेंसिटी गाइस वेरी लो डेंसिटी ऑफ 46 पर एकड़ आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है. एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट द अमेनिटीज इन द प्रोजेक्ट सो इट इज 100% गेटेड 100% आपको इसमें पावर बैकअप मिलने वाला है. प्लस दे आर डेवलपिंग 1.3 एकड़ ऑफ क्लब हाउस इन द प्रोजेक्ट. उसमें आपको सारी अमेनिटीज मिल जाती है. वी हैव द जिम बार सलोन स्विमिंग पूल पार्टी लॉन है एमपी थिएटर किड्स प्ले एरिया. प्लस गाइज फॉर द फर्स्ट टाइम DDJY फ्लोर्स दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ फुटबॉल ग्राउंड. सो आपको प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे मिलने वाला है. वी हैव द बास्केटबॉल कोर्ट 2 लॉन टेनिस कोर्ट 2 क्रिकेट पिच. सो ईच एंड एवरी सिंगल अमेनिटी यू आर गेटिंग इन दिस प्रोडक्ट. प्लस मैंने आपको बालकनी से दिखाई दिया जो आपका सेंटर में पूरा एक एकड़ का पार्क आ जाता है. प्लस पूरे प्रोजेक्ट में बाउंड्रीज पे दे आर गिविंग यू अ पार्क. सो हर एक कॉर्नर्स पे आपको कुछ ना कुछ ग्रीन एरिया और अमेनिटीज मिलने वाली है. प्लस गाइज अगर मैं इस प्रोजेक्ट के ना इंटरनल रोड्स की बात करता हूँ तो 12.5 मीटर की फर्स्ट एवर इन गुड़गांव अगर आप DDJY में देखोगे 9 मीटर से वाइड रोड्स किसी में भी नहीं. बट इसके जो अभी इन्होंने नया फेज लॉन्च किया इसके अंदर आपको 12.5 मीटर की रोड मिल जाती है. अगर मैं इसका स्टिल्ट पार्किंग का कंसेप्ट ही बताऊंगा अभी इसका स्टिल्ट पार्किंग पे वी हैव मेड द ऑफिस. सो मैं अभी आपको पार्किंग दिखा नहीं पाया बट स्टिल्ट पे वी हैव एनफ स्पेस फॉर पार्किंग. एक बिल्डिंग में 3 ही फ्लोर्स है डेडिकेटेड. हम आपको एक पार्किंग तो इंक्लूड दे ही रहे हैं प्राइसिंग में. प्लस वी हैव द स्पेस फॉर 7 पार्किंग्स. सो 3 फ्लोर के अगेंस्ट 7 पार्किंग्स है. इन केस अगर आप एक्स्ट्रा परचेज करना चाहते हैं सो आप अपने डेडिकेटेडली एक्स्ट्रा भी परचेज कर सकते हैं. अदरवाइज आफ्टर पोजेशन गाइज आपके पास एनफ स्पेस रहेगा. अगर आपके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ भी है तो भी आप पार्क कर सकते हैं. प्लस गाइज अभी थोड़ा सा लोकेशन की बात कर लेते हैं कि वाई सेक्टर 71 इस लोकेशन में ऐसा क्या है. क्या गाइज दिस लोकेशन हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. मैंने आपको बालकनी से दिखाया सिग्नेचर ग्लोबल इज होल्डिंग अ लैंड पार्सल ऑफ 142 एकड़स. इस प्रोजेक्ट के लेफ्ट राइट फ्रंट तीनों की तरफ सारा सिग्नेचर ग्लोबल का लैंड पार्सल आता है. अभी आपने सिग्नेचर ग्लोबल का 71 में वर्क देखा ही होगा. पूरे गुड़गांव और दिल्ली में होल्डिंग्स लगी हुई है द टाउनशिप ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल एट SPR. सो सिग्नेचर ग्लोबल भी पूरी इस लोकेलिटी को नेक्स्ट लेवल गाइज अपलिफ्ट कर देगा. प्लस गाइज सिग्नेचर ग्लोबल इसी सेम सेक्टर 71 में इज कमिंग अप विद 10 एकड़स ऑफ स्पोर्ट्स अकेडमी जिसमें आपका 9 होल पब्लिक गोल्फ कोर्स रहने वाला है. आपको सारी ओलंपिक साइज स्टैंडर्ड जो है स्पोर्ट्स अमेनिटीज सेक्टर 71 में मिलने वाली है. प्लस गाइज DLF इज कमिंग अप विद साइबर सिटी 2 इन सेक्टर 74A, 75A, 76, 77, 78 जहाँ पे DLF ने रिसेंटली अपने लग्जरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे बाय नेम DLF रिवाना साउथ एंड DLF रिवाना वेस्ट. सो बोथ प्रोडक्ट्स वर सोल्ड आउट इन अ मैटर ऑफ 72 आवर्स. सो गाइज DLF इज ऑल्सो डेवलपिंग कम्प्लीट साइबर सिटी 2. सो इन फ्यूचर आपको इस पूरी SPR की बेल्ट का मेकओवर अलग ही लेवल का मिलेगा. प्लस रिसेंटली आपने देखा होगा GMDA ने भी जो है हमारे SPR की बेल्ट का अप्रूवल दे दिया कि आपका जो क्लोवर लीफ से लेके वाटिका चौक तक एक पूरा एलिवेटेड सेक्शन रहने वाला है विद अ मेट्रो प्रपोज्ड ऑल्सो. तो जो आपकी मेट्रो है वो गोल्फ कोर्स रोड वाली रैपिड मेट्रो रहेगी जो हमारी यहाँ से वाटिका चौक आएगी वाटिका चौक से टिल क्लोवर लीफ से पंचगांव होते हुए हमारी आगे की तरफ चली जाएगी. सो यू विल हैव द मेट्रो एक्सेस ऑल्सो एट द SPR. प्लस हमारा पूरा SPR एक्सटेंशन रोड रेड लाइट फ्री होने वाला है. सो इन फ्यूचर यू विल हैव अ वेरी स्मूथ कनेक्टिविटी. एक मैंने आपको इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बता दी कि आप विद इन 3 to 4 मिनट्स ऑफ ड्राइव में इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट सेक्टर 48 जहाँ पे स्पेस हाईटेक पार्क और सारे हमारे कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस सोना रोड पे आते हैं आप वहाँ से सोना रोड को एक्सेस कर सकते हैं. यू हैव अ कनेक्टिविटी विद द हीरोंडा चौक एंड द सुभाष चौक एरिया. वहाँ पे तो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है अगर आप आज के डेट में जाके देखेंगे. सोइल टेस्टिंग वर्क इज गोइंग ऑन. सो गाइज इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है जस्ट कॉल अस. अगर गाइज मैं इस लोकेलिटी में बात करता हूँ अगर आप इसको एंड यूज के लिए देख रहे कि नियर बाय आपको स्कूल्स हॉस्पिटल्स डेली बेसिक नीड्स मिलती है नहीं मिलती. सो गाइज इफ आई टॉक अबाउट द टॉप स्कूल्स विच आर अवेलेबल नियर बाय गाइज फर्स्ट इज JD गोइंका स्कूल. गाइज JD गोइंका स्कूल इज बेयरली 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी. वी हैव द सेंट जेवियर DPS इज देयर हेरिटेज स्कूल इज देयर. गाइज इफ आई टॉक अबाउट द हॉस्पिटल सो मेदांता इज नियर पारस हॉस्पिटल इज नियर मैक्स इज देयर फोर्टिस इज देयर. एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट द कमर्शियल सो मेन प्रोजेक्ट के गेट पे बेसिकली दिस इज अ टाउनशिप ऑफ गुड अर्थ. सो द प्रोजेक्ट नेम इज़ 1 गुड अर्थ जो कि गुड अर्थ के द्वारा पूरी एक लोराई प्लॉटेड टाउनशिप डेवलप करी थी. उसमें त्रेहान इज डेवलपिंग स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर्स. सो एंट्री पे आपको एक पूरा हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट मिलने वाली है गुड अर्थ की. गाइस गुड अर्थ का तो आपको पता ही है आप सेक्टर 49 में आज के डेट में जाके देखो पूरा 100% लीज आउट है. गुड अर्थ की लीजिंग बड़ी अच्छी है. सो एंट्री पे ही आपको पूरी एक हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट मिल जाती है. प्लस यहाँ से मैं प्रोजेक्ट से बाहर निकलूंगा अराउंड 200 से 250 मीटर हमारी पूरी सेक्टर 71 की कमर्शियल बेल्ट आ जाती है. एट द मैंगोन SPR वी हैव द वाइटलैंड अर्बन क्यूब्स
उसके सामने पिरामिड के SEOs आ जाते हैं, साथ में कैपिटल के SEOs आ जाते हैं, क्योंकि SPR पे पूरी हमारी फ्रंट की कमर्शियल बेल्ट आ जाती है। सो ये लोकेशन ऐसी है गाइज, आपको यहाँ पे अगर आप आज की डेट में भी रहेंगे तो आपको कोई भी डेली नीड्स और बेसिक कम्युनिटीज के लिए कहीं दूर जाने की नीड नहीं है। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट द प्राइसिंग, कि सारी चीज़ें ठीक है बट वट इज़ द प्राइसिंग। सो गाइज द प्राइसिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज 2.3 CR। सो गाइज दिस प्राइसिंग इंक्लूड्स योर EDC, IDC, योर लाइफ टाइम क्लब मेंबरशिप, प्लस अभी एज अ इनॉग्रल गाइज कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू अ फ्री कार पार्किंग डेडिकेटेड एट द सेल्ट एरिया विद EV कार चार्जिंग पॉइंट्स। प्लस गाइज अभी कंपनी ने इनॉग्रल में स्कीम निकाली है दैट दे आर गिविंग यू 10 lakh rupees इनॉग्रल डिस्काउंट। सो योर इफेक्टिव प्राइसिंग कम्स अराउंड 2.2 CR, जिसमें गाइज कंपनी आपको 1.5 lakh rupees का क्रोमा वाउचर भी दे रही है। प्लस गाइज 2 साल की इसमें कंपनी आपसे कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं करेगी। सो दिस प्रॉपर्टी विल बी मेंटेन्ड बाय द JLL। सो गाइज JLL इज द बिगेस्ट थर्ड पार्टी सोर्सिंग, जो कि मेंटेनेंस में मैं बात करता हूँ, DLF की मेजर प्रॉपर्टीज जो है JLL ही मेंटेन करता है। सो इन मेंटेनेंस यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड क्वालिटी। सो गाइज आप देख सकते हैं 2.25 crore की रेंज में आपको एक SPR पे प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर मैं साइज की बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 1600 square feet प्लस बेसमेंट टेरेस, टोटल 2700 square feet आता है। अगर मैं पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग निकालता हूँ, वैसे तो ये बॉक्स प्राइस आती है बट पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग कैलकुलेट करता हूँ, सो प्राइसिंग इज योर 9250 पर स्क्वायर फीट। सो गाइज 9500 rupees पर स्क्वायर फीट पे आपको एक SPR पे प्रॉपर्टी मिल रही है। गाइज सिग्नेचर ग्लोबल विल बी लॉन्चिंग देयर हाई राइज एट 18000 पर स्क्वायर फीट। DLF ने रिसेंटली अपना हाई राइज लॉन्च किया है एट 19500, करंट में 20000 rupees पर स्क्वायर फीट का रेट है। प्लस अगर आप ये देखेंगे 9500 rupees पर स्क्वायर फीट पे आज की डेट में आपको न्यू गुड़गांव जैसी लोकेशंस में भी प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, जहाँ पे अगर आप इसके अलावा कोई और भी लो राइज लेने जाएंगे बेयर मिनिमम यू हैव टू स्पेंड 13,000 to 14,000 पर स्क्वायर फीट। प्लस अगर आप इनका कंसेप्ट देखेंगे, दे आर ओनली गिविंग यू स्टिल्ट प्लस 3, जो कि मार्केट में क्या है सारा स्टिल्ट प्लस 4 आता है। सो स्टिल्ट प्लस 3 का होने का बेनिफिट क्या है कि एक फ्लोर पे मैंने आपको बताया 2 flats है, सो फॉर 6 floors यू हैव 2 lifts एंड आपके पास स्टिल्ट एरिया आपको ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए मिल जाता है। दे आर गिविंग यू 50% टेरेस साइड, सो इफ़ यू ऑप्ट फॉर द सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर, अगर आप तीनों में से कोई भी लेंगे सो आपको उसके साथ बेसमेंट तो मिलेगा ही। सो कंसेप्ट अच्छा है कि आप अपना आराम से एक फर्नीचर सारा नॉर्मल हमारे फ्लैट में आ गया, एक्स्ट्रा सामान है या कोई भी आप पर्सनल जिम होम थिएटर बनाना चाह रहे हो उसके लिए आप बेसमेंट यूटिलाइजेशन कीजिए, शाम की पार्टी मॉर्निंग योगा के लिए आप अपने टेरेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो गाइज इफ़ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सो आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, जस्ट कॉल अस टू नो मोर अबाउट दिस। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी पेमेंट प्लान, सो अगर आप इस प्रॉपर्टी को एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं सो इसमें पेमेंट प्लान आपको क्या मिल जाता है। सो गाइज योर पेमेंट प्लान इज 30-70, सो इनिशियली यू हैव टू पे द 30% अमाउंट एंड गाइज रिमेनिंग 70% यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ पोजेशन। गाइज मैं OC की बात नहीं कर रहा, मैं OC रिसीविंग की बात करता हूँ। जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी द डेवलपर विल रिसीव द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद ही आपको अपनी 70% पेमेंट देनी है। सो गाइज अगर मैं आपकी इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो वही 70-75 lakhs के आसपास की आपकी इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जाती है। प्लस गाइज योर फर्स्ट ट्रांसफर इज फ्री आफ्टर 30%, सो जैसे ही आप अपनी 30% देंगे तो उसके बाद आपका फर्स्ट ट्रांसफर भी फ्री हो जाता है। इनकेस अगर आपको लगता है आज आप इस प्राइस में परचेज कर रहे हैं, कल को यही 2.25 crore वाली प्रॉपर्टी आप 3.5 में 3.5 में 3.5 में सेल करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट, सो आप इसको कभी भी सेल कर सकते हैं। डेवलपर विल नॉट चार्ज फॉर एनी ट्रांसफर फीस, सो आई डोंट थिंक सो गाइज यू शुड मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। ये ऐसा है आ जाते हैं विद इन अ बजट रेंज ऑफ 2 to 2.5 CR। अगर आपका इस रेंज का भी बजट नहीं है, अगर आप इससे भी कम रेंज में देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि 1.5 से 2 crore पे आपको और अच्छी लोकेशन मिल जाए, सो गाइज Trehan इज कमिंग अप विद देयर न्यू फ्लोर्स एट बैंगोन सोना रोड। सो बैंगोन आपको NH 248A पे फ्लोर्स मिल जाते हैं विद इन अ बजट रेंज ऑफ 1.5 to 2 CR विद द सेम कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया सेम कंसेप्ट आपको उसमें भी मिलेगा। सो इफ़ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट, सो आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप इसकी साइट विजिट करना चाहते हैं या जो इनका नया फेस आ रहा है उसकी साइट विजिट करना चाहते हैं, सो जस्ट कॉल अस टू ग्रैब द बेस्ट। अगर मैं कहूँगा एंड यूजर परस्पेक्टिव से भी बहुत अच्छा है, अगर आप इनके लेआउट्स देखेंगे ईच एंड एवरी अपार्टमेंट इज ईदर 2 side open, और अगर आप इसमें कोई कॉर्नर यूनिट लेंगे सो आपका अपार्टमेंट 3 side open भी हो जाता है, सो यू विल हैव अ वेरी गुड क्रॉस वेंटिलेशन, लाइटिंग आपको सारा सेमी फर्निश करके दे रहे हैं। प्लस गाइज अगर मैं अपार्टमेंट में बात करता हूँ सो दे आर गिविंग यू अ एलेक्सा अनेबल्ड होम, जैसे कि भी आप ये सारा लिविंग एरिया में बैठा हूँ करंटली, सो जितनी भी आप लाइट फैन फॉल सीलिंग देख रहे हैं, मास्टर बेडरूम में हमारे कर्टेन्स आ गए थे, सो दीज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द एलेक्सा। सो इन दिस प्रॉपर्टी यू विल गेट होम ऑटोमेशन। सो गाइज इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सो गाइज जस्ट कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो फॉर द बेस्ट डील। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि यहाँ की रेंटल ईड क्या आ जाएगी,
अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो जस्ट कॉल अस। एंड गाइस अगर मैं इसके पोजेशन की बात करता हूँ सो योर पोजेशन टाइमलाइन विल बी 6 to 12 months। सो 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको इसका पोजेशन भी मिल जाएगा। मैंने आपको दिखाया कुछ यूनिट्स को, इवन स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग चल रही है। अगर आप थोड़ा लेट पोजेशन चाहते हैं सो कुछ हमारे पास नई फेज में यूनिट है, उसमें आपको थोड़ा रिलैक्स टाइमलाइन मिल जाएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आज शिफ्ट नहीं होना, आज से 1.5 साल में आप शिफ्ट होना चाहते हैं, प्लस आपको एक रिलैक्स पेमेंट प्लान मिल जाए। सो वी डू हैव सम अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स अवेलेबल, प्लस अगर आप जल्दी पोजेशन चाहते हैं सो जल्दी पोजेशन वाली यूनिट्स है। सो गाइज इफ यू डू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस टू ग्रैब द बेस्ट डील। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, आपसे जल्द मिलूंगा एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब अस टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।